पहले तो भोजपुरी देखने वाले सभी दर्शकन के निधि झा का प्रणाम उर्फ लुलिया का प्रणाम। और जैसा कि अब हम बात कर रहे हैं आवारा बलम की, जो है हमारे बाजू में ही क्यूट से हीरो जिनका नाम है मिस्टर कल्लू, मैं इनको प्यार से मिस्टर कल्लू बुलाती हूँ। तो इनकी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है आवारा बलम, एंड अभी तक इनके जो भी आपने फिल्में देखी होंगी या जितने भी ट्रेलर देखा होगा उसमें बड़े से क्यूट इनोसेंट लड़के बने हुए हैं, लेकिन इस आवारा बलम में क्या ऐसा कुछ डिफरेंट है? सबसे पहले आप सभी भोजपुरी श्रोतागण दर्शक लोग के हम अरविंद अकेला कल्लू बार बार प्रणाम करते नहीं, और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे सामने कुछ क्वेश्चन निधि झा जी ने पूछा, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आवारा बलम जो कि बहुत ही प्यारी लव एंड रोमांटिक फैमिली ड्रामा है, और इसके साथ साथ फुल एक्शन मूवी है। आप लोग ट्रेलर में काफ़ी लोगों ने तारीफ भी किया कि भैया पहली बार ऐसा लग रहा है कि मतलब एक्शन करते हुए इतनी नज़र आए हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है आप लोग प्लीज़ देखें और अपने कमेंट्स में राय दें कि कैसा लगा और हम लोगों को क्या करना चाहिए। जो आपको पसंद होगा वही हम लोग करेंगे। आवारा बलम एक फुल लव स्टोरी है, और एक लड़की है जो कि हमेशा मुझे आवारा आवारा कहती रहती है, लेकिन मैं आवारा हूँ नहीं। बाद में उसको पता चलता है कि नहीं भाई, ये सच्चाई के लिए लड़ता है, मेरे से ही अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो और भी कहानी है जो सस्पेंस है, तो आप लोग को सिनेमा हॉल में जाना पड़ेगा। तो आप लोग हमारी फिल्म आवारा बलम का ट्रेलर देखिए, और बहुत जल्द ऑडियो सॉन्ग रिलीज होगा। वेब म्यूजिक के माध्यम से हमारा ट्रेलर रिलीज हुआ है। डायरेक्टर हैं चंदन उपाध्याय जी और प्रोड्यूसर हैं निशिकांत झा जी। तो अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, पर्सनल सवाल है कि क्या आप रियल लाइफ में भी आवारा हैं? नहीं। देखिए, कहने के लिए तो सब नहीं ना बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद आप आवारा हो सकते, बट यू नेवर नो, यू नो। जो तो आप क्या बता रहे हैं? देखिए, आवारा बनने का जो उम्र था उस उम्र में ही मैं गाना और वो वर्किंग में लग गया। इस लाइन में आवारा नहीं हूँ, इस लाइन में भी मैं भी देखिए मेरा भी मन है, रियलिटी मेरा भी मन है, कुछ हीरोइनों के साथ मेरा नाम लोग उछालते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है। सभी हमारी अच्छी दोस्त हैं, और दोस्ती में जितना मस्ती मजाक होता है मेरे देखने से उतना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं उतना मस्ती मजाक करते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है अगर सेट पे दो लड़का लड़की जो हीरो हीरोइन है बात की, इसका मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कोई आवारा बन गया। अच्छी दोस्ती भी होती हैं, तो प्लीज़ आप और हम एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। सेट पे जितना मस्ती हम नहीं करते उससे अधिक ये मस्ती करती हैं। आप लोग देखे होंगे लड़के लड़कियों को छेड़ती हैं, लेकिन कभी कभी ये हमको भी छेड़ती हैं, तो अच्छा लगता है। आवारा नहीं हूँ, क्या बोलते हैं, मतलब शरीफ वाला आवारा हूँ, शरीफ वाले आवारा है, जैसा कि इन्होंने कहा। शरीफ आवारा क्या होता है? बाहर से नहीं दिखता है, सब अंदर से, अंदर से ही दिखता है। मैं अपने क्या बोलते हैं इमोशन को, अपने फीलिंग को सब अंदर दबा के रखता हूँ, और मस्ती मजाक में सब कुछ बोल देता हूँ। तो समझ जाइए, दुख भी नहीं लगे, प्यार से सब काम हो जाता है। तो समझ जाइए, अगर ये सामने जो भी बता रहे तो उस पर बिलीव मत कीजिएगा, क्योंकि इनके अंदर ना कुछ और चलते रहता है। चलिए बात करी जाए आवारा बलम की, तो कैसा लगा आपको शूट करके डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ, हीरोइन के साथ कैसा रहा आपका? इस फिल्म में हमारे अपोजिट दो हीरोइने हैं, तनुश्री जी और प्रियंका पंडित जी, दोनों कमाल के एक्ट्रेस हैं, कमाल के परफॉर्मर हैं, और हमें उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगी हम दोनों की केमिस्ट्री। चंदन उपाध्याय जी डायरेक्टर हैं, जो कि फर्स्ट फिल्म में उनका एज ए डायरेक्शन, उन्होंने पहले बहुत सारे मूवी किए हैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर। प्रोड्यूसर हैं निशिकांत झा जी, उन्होंने कहा मुझे एक अच्छी फिल्म बनानी है, जो कल्लू बोलेगा, जैसा कॉन्सेप्ट बोलेगा उसी पे मैं बनाऊंगा। मैंने चंदन भैया से बोला अभी तक मैंने फुल एक्शन वाली मूवी नहीं की है, मेरे को करना है। उन्होंने बोला ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट बनाता हूँ, और मेहनत तो हर फिल्म में करते हैं। मैं नागिन तू सपेरा में भी मैंने मेहनत किया बहुत, आपने पूरी टीम ने, आवारा बलम की भी पूरी टीम मेहनत की, लेकिन खास करके फाइट में 14 दिन फाइट हुआ था, 15 दिन और कंटिन्यू फाइट हम लोग किए, बहुत मेहनत की हम लोगों ने, और सुना है मैंने ऐसा कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो ऐसा लग भी रहा है थोड़ा थोड़ा मीठापन तो आ भी रहा है। जब सिनेमा हॉल में लगेगा तो मुझे उम्मीद है कि पूरा मीठा मेरे पास आएगा। जैसा कि इन्होंने कहा, देखिए हम सब एक्टर्स जो होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, बस वही चाहते हैं कि हमारी मेहनत आप सब तक पहुँचे, और आप वो मेहनत हमें तभी मिलता है जब आप सब लोग अपने परिवार के साथ जाते हैं और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं। तो यही कोशिश रहती है कि जो भी फिल्म बनाएं दिल से बनाएं, एंड आप सब तक वो हम जो भी मैसेज या जो भी बताना चाहें वो आप सब तक पहुंचे। तो प्लीज़ हम दोनों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी फिल्म जब भी आवारा बलम आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी तो प्लीज़ जाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही अच्छा ऐसा नॉर्मल थोड़ा सा हटकर है स्टोरी, एंड इनका एक्शन आपको देखने मिलेगा जो आज तक बहुत कम दिखा होगा।
बिकॉज ये एज इन क्यूट लवली बॉय के नाम से जाने जाते हैं. वैसे तो है क्यूट नो डाउट, बड़ी प्यारी सी स्माइल है इनकी. बड़े प्यारे तरीके से हंसते. तो मैं और हम दोनों आपसे बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ जब भी आवारा बलम आप डेट जब भी अनाउंस करेंगे, जल्द से जल्द अपने परिवार के सहित जाइएगा एंड आवारा बलम को बहुत सारा प्यार दीजिएगा. आपको जाते जाते कहना चाहेंगे? बस आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग अपना प्यार हम सारे आर्टिस्टों को देते हैं. हमें नहीं, भोजपुरी से जुड़े जितने आर्टिस्ट हैं सबको दीजिए. और स्पेशली थैंक यू सो मच निधि झा जी एंड लुलिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको. मैं जितना धन्यवाद बोलूँगा कम होगा. आपने मेरे फिल्म के बारे में इतना कुछ कहा, कोई ऐसी एक्ट्रेस होगी जो मेरे फिल्म के बारे में और मेरे बारे में इतना बोलेगा, तो थैंक यू सो मच आपको. और आप लोग हमें और निधि जी को ढेर 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 सारा प्यार दें कि हम लोग आपके लिए हमेशा मनोरंजन करते रहें, इंटरटेनमेंट करते रहें. मैं नागिन तुझसे पेरा, हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारी ये जोड़ी आप लोग को इस फिल्म में पसंद आएगी. थैंक यू. माफ़ कीजिएगा, जाते जाते मेरे ध्यान में अचानक से एक ये आया है कि आवारा बलम इतना ज़्यादा हर जगह चर्चाएँ चल रही है, अब इनको थोड़ा तो सोचना चाहिए कि लड़की बाजू में है तो एक गाना तो सुना दें. मैं गाना सुनाऊंगा उस फिल्म में. ट्रेलर में तो सभी मसाले सॉन्ग हैं, लेकिन उसमें मैं एक बहुत ही प्यारा रोमांटिक सॉन्ग गाया हूँ, रोमांटिक एंड सैड सॉन्ग, जो कि अभी हमारे हिंदी में खास करके बहुत ज़्यादा चल रही है. तो मैंने सोचा भोजपुरी में भी कुछ लाया जाए. घुंगरू जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसमें एक गाना है. मैंने सेट पर भी आपको एक बार गाना सुनाया है, तो सारे दर्शकों के सामने आपको सुनाना चाहूँगा. कि चाहे न दे अब ये जान, तू ही बड़ू दुनिया जहान, जाए न दे अब ये जान, तू ही बड़ू दुनिया जहान, साथ न छूटी नेह न टूटी, साथ न छूटी नेह न टूटी, जब ले रही देह में परन है, जाए न दे अब ये जान, तू ही बड़ू दुनिया जहान. थैंक यू सो मच. इतना प्यारा गाते. अब तो ऐसा है कि देखिए, ये मुझे बुलाए ना बुलाए मैं खुद जाऊंगी इनकी फिल्म जब भी रिलीज होगी फिल्म देखने, क्योंकि गाना ही इतना प्यारा है जहाँ आप अटैच खुद को उस चीज़ से अटैच कर सकते हैं, उस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं. तो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है जब भी आवारा बलम आए जाके ज़रूर देखें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Planet Bhojpuri.